आज हम लोग बात करेंगे मिरेना के बारे में। यह क्या होता है, कैसे इसे लगाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कितने तक आता है, किसको लगाने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, किन लोगों को इन्हें लगाया जाता है, किन लोगों को लगाना इन्हें अवॉइड किया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि कोई भी जो हमारे अगले वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। कॉपर टी के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, और इसके पे मैं अलग से एक वीडियो बना भी चुकी हूँ, आप लोग काफ़ी कुछ जानते भी हैं। मेरिना भी कॉपर टी की तरह ही एक इंट्रायूटराइन डिवाइस होता है जिसे यूट्रस में लगाया जाता है, लेकिन इसका जो फंक्शन है, काम करने का तरीका है, वो कॉपर टी से थोड़ा अलग होता है। यह एक टी सेप्ट का डिवाइस होता है जिसमें 52 मिलीग्राम लीवोनॉर्जेस्टेरॉल, जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ही एक वेरियंट है, वो प्रेजेंट होता है। जब इसको यूट्रस में लगाया जाता है तो डेली ये लगभग 20 माइक्रोग्राम लियोनार्जेस्टॉल डेली रिलीज करता है। यह कैसे काम करता है? यह 5 से 7 साल तक काम करता है। यह यूट्रस की लाइनिंग जो इंडोमेट्रियम है उसको पतला करता है और सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है, जिससे स्पर्म अंदर नहीं जा पाते हैं। तो ये ब्लीडिंग को भी कम करता है और प्रेगनेंसी से भी बचाता है। इसका इंडिकेशन क्या क्या है? तो इसको बहुत जगह यूज किया जाता है, जैसे सबसे पहले कंट्रासेप्शन के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अगर आपको मेनोरेजिया यानी कि हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो आपके लिए कंट्रासेप्शन का ये सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि इससे ब्लीडिंग 50% तक कम हो जाती है। अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो भी आप इसे लगवा सकती हैं। इसको लगवाने से आप लंबे समय के लिए फ्री हो जाती हैं, आपको डेली गोलियां नहीं खानी पड़ती हैं, हर 3 महीने पे इंजेक्शन लगवाने की टेंशन नहीं रहती है, इसका फेल्यूर रेट भी काफ़ी कम होता है। इसका यूज़ सिर्फ कंट्रासेप्शन के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, या फिर अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया जिसमें एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो मोटी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा आपको ब्लीडिंग होती है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो भी मिरेना को लगाया जाता है। ये आपकी ब्लीडिंग को कम कर देता है। इसको लगवाने से ब्लीडिंग के साथ आपका पेन भी कम होता है, यह एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। इसको लगाया कैसे जाता है? इसको लगाने के लिए आपको किसी तरह के एडमिशन या एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है। यह एक सिंपल सा ओपीडी प्रोसीजर है और लगाने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है। इसको लगाने पे आपको थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग, पेन, डिजनेस या फिर फेंटिंग जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर प्रोसीजर से 1-2 घंटे पहले आप कोई पेन किलर ले लेती हैं तो आपको पेन कम होता है। इसको पीरियड के 7 दिन के अंदर लगाया जाता है। अगर आप पीरियड के 7 दिन के बाद ही से लगा रहे हैं तो 1 हफ्ते तक बैकअप प्रेगनेंसी का मेथड जरूर से यूज कर लें। इसको कॉपर टी की तरह एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव यूज नहीं किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं? इसको लगाने के बाद आपको कुछ महीनों तक इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। 20% महिलाओं में 1 साल के बाद पीरियड पूरी तरह से आना बंद हो जाता है, क्योंकि इंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो पतली हो जाती है। लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हल्के फुल्के स्पॉटिंग हो सकती है, जब जैसे पीरियड आने का समय है तो उसमें पीरियड ना आके थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो जाती है। इसको लगवाने से और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ महिलाओं में हेडेक, मूड स्विंग, एक्ने, एब्डोमिनल क्रैम्प, वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्रेस्ट टेंडरनेस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। रेयर केस में परफोरेशन, यूट्राइन परफोरेशन भी देखा जा सकता है। इसका फेल्योर रेट काफ़ी कम है, रेयरली बहुत ही कम केस में आपको प्रेगनेंसी भी देखा गया है, और इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट नहीं करता है। इसको निकालते कैसे हैं? निकालने का सिंपल सा प्रोसीजर है। जब इसे लगाया जाता है तो 2 थ्रेड हैं वो सर्विक से लटकते रहते हैं, जिससे आप फील भी कर सकती हैं कि आपका जो मिरेना है वो सही जगह पे है या नहीं है। और जेंटली इसी जो थ्रेड है इसी को पकड़ के आर्टरी से डॉक्टर जेंटली इसे रिमूव कर देते हैं। निकालते समय आपको थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग, पेन और स्पॉटिंग हो सकता है। मिरेना लगवाने के बाद अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, फॉल स्वेलिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, या फिर अगर सेक्स करते समय पेन फील हो रहा है, बुखार आ रहा है, सीवियर हेडेक है, माइग्रेन है, आँखों या फिर स्किन का कलर पीला पड़ रहा है, या फिर आपको मिरेना का स्टिंग जो है वो जो धागे हैं दो लटकते रहते हैं वो फील नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है।
किन कंडीशन में मेरिना को एडवाइस नहीं किया जाता है, इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है? तो अगर आपको कंजेनाइटल यूट्राइन कैविटी डिफेक्ट है या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड है बड़ा है जो यूट्राइन कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, कोई एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन है या फिर अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है जिसका कारण नहीं पता है, इंडोमेट्रियल सर्वाइकल यूट्राइन या फिर ब्रेस्ट कैंसर है, कोई लीवर डिजीज है या फिर यूट्रस का साइज बहुत बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में मेरिना को लगवाना एडवाइस नहीं किया जाता है। इसका कॉस्ट कितना होता है? यह 3,000 से 5,000 तक आता है, कंपनी पे डिपेंड करता है। इसको लगाने के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ है, अपना यूट्रस में जाके रहता है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, आप अपनी डेली जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो सारे कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, लेकिन एक्सरसाइज के लिए आप 3 से 4 दिन का वेट करें ताकि आपको क्रैम्पिंग पेन ना हो। तो उम्मीद है मेरिना से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके मन में जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी लगता है कि कोई टॉपिक है जो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी। थैंक यू।